हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि बेस्ट गेमिंग फोन कौन सा है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हर बजट के बेस्ट गेमिंग डिवाइसेस के बारे में। मतलब कि हम 10,000 से नीचे के बजट में भी बात करेंगे, 10 से 15,000 रुपए के बजट में, 15 से 20,000 रुपए के बजट में, 20 से 40,000 रुपए के बजट में, और उसके बाद प्रीमियम डिवाइसेस में। और ये जो हमारे बेस्ट डिवाइसेस हैं, इनमें सिर्फ हम प्रोसेसर नहीं देख रहे हैं बल्कि हम पूरी तरह गेमिंग एक्सपीरियंस को कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि आपको डिस्प्ले क्वालिटी कैसे मिलेगी, उसके साथ व्यूइंग एंगल कैसे मिलेंगे, ऑडियो क्वालिटी कैसे मिलेगी, बैटरी बैकअप कैसा मिलेगा, हीटिंग इशू है या नहीं है, हर चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद मैंने ये बेस्ट डिवाइसेस निकाले हैं। तो चलिए मैं जल्दी से शुरू करती हूँ वीडियो को। तो 10,000 से नीचे के बजट में बेस्ट गेमिंग डिवाइस है हमारा Redmi का Redmi Note 7। इस डिवाइस के अंदर हमें Snapdragon 660 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि हमारा अंडरक्लॉक प्रोसेसर नहीं है, आप हमारा सही वाला Snapdragon 660 वाला प्रोसेसर है। इसका एंटूतु स्कोर अगर हम देखें तो वो है 141,000। इसके अंदर हमें बड़ी बैटरी मिलती है 4000 mAh की, और साथ ही ये डिवाइस हमारा फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। बैटरी बैकअप इस डिवाइस का अगर आप देखें तो वो हमारा काफ़ी कमाल का है, मतलब आपका एक दिन तो आराम से निकल जाएगा, आप गेम्स भी खेल सकते हैं, पूरा दिन डिवाइस को यूज़ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। और जैसे मैंने इसका गेमिंग रिव्यू किया था, एक घंटे का पबजी टेस्ट, उसके अंदर हमने HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे गेम खेली थी, उसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, आपकी गेम बहुत ही स्मूथली चलेगी एकदम आराम से, और एक डेढ़ घंटा गेम खेलने में भी आपको इस डिवाइस के अंदर हीटिंग इशू नहीं मिलेगा। गेमिंग देखते हुए आप इसके डिस्प्ले पे भी नजर डाल सकते हैं। इसके अंदर हमें 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। हमारा ये डिस्प्ले काफी कलरफुल है, आप गेम्स को अच्छे से इंजॉय करेंगे, और साथ ही इस डिवाइस के अंदर जो हमें ग्लास बॉडी दी है उससे फील भी काफी बढ़िया आती है इसको होल्ड करके खेलने में गेम को। ओवरऑल डिवाइस हमारा लुक वाइज भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस वाइज भी बढ़िया है, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिलता है, डिस्प्ले भी अच्छा मिलता है, तो इसीलिए ये डिवाइस हमारा 10,000 से नीचे के बजट में बेस्ट गेमिंग डिवाइस बन जाता है। इसका 3GB रैम 32GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हम 10 से 15,000 रुपए की रेंज में। वैसे तो ये हमारी मोस्ट पॉपुलर रेंज है जिसमें काफी ज्यादा लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा डिवाइस हमारे लिए बेस्ट रहेगा, और इस रेंज में हमारे पास जो बेस्ट गेमिंग डिवाइस है वो एक हमारा लेटेस्ट डिवाइस है जो कि काफी पॉपुलर भी है और जबरदस्त भी है। डिवाइस है हमारा Redmi Note 7 Pro। इसके अंदर हमें मिलता है Snapdragon 675 का प्रोसेसर। इसका एंटूतु स्कोर अगर हम देखें तो वो है 180,000। इस डिवाइस के अंदर हमें बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। PUBG जो है वो पूरी तरह अभी ऑप्टिमाइज नहीं है इस प्रोसेसर के साथ, प्रोसेसर नया है हमारा, तो इसीलिए आप इसकी सेटिंग्स को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जिस सेटिंग्स जो रिकमेंडेड है उस पर आप गेम खेलेंगे तो उस पर भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। और साथ ही मैंने इस डिवाइस का वन डे पूरा दिन यूज करने के बाद बैटरी ड्रेन टेस्ट बनाया था, और उसके अंदर इसका बैटरी बैकअप हमारा काफी अच्छा आया था। 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है हमें इसके अंदर, और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है ये हमारा डिवाइस। उसके साथ डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 6.3 इंच का हमें इसके अंदर डिस्प्ले मिलता है, बढ़िया ब्राइट डिस्प्ले है इसका, जिसके कि व्यूइंग एंगल्स भी हमारे काफी अच्छे हैं। और देखा जाए तो ओवरऑल Redmi Note 7 Pro हमारे 15,000 रुपए के बजट में एक बेस्ट गेमिंग डिवाइस बन जाता है, जो कि आपको वैसे 14,000 रुपए में मिल जाएगा इसका 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट। Redmi Note 7 Pro के साथ इस बजट के अंदर हमारे पास दो और डिवाइसेस आते हैं, जिसमें से एक है हमारा Realme 3 Pro, जिसके अंदर हमें Snapdragon 710 का प्रोसेसर मिल रहा है। लेकिन मैंने उसको इस लिस्ट में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो डिवाइस अभी अवेलेबल नहीं है। जब उसकी सेल स्टार्ट होगी मैं उसको परचेस करूंगी, उसकी टेस्टिंग के बाद हम देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस हमें कैसी मिलती है, और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ की वो लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। और इसके साथ जो अगला डिवाइस आता है वो है हमारा Honor Play। Honor Play ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज तो इससे बेटर है, मतलब उसके अंदर जो हमें प्रोसेसर मिल रहा है, GPU मिल रहा है, वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उस डिवाइस के अंदर बैटरी बैकअप हमें इतना बढ़िया नहीं मिलता, और उसमें ज़्यादा देर गेम खेलने में, मतलब एक डेढ़ घंटे में भी थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हमारे इस रेंज में Redmi Note 7 Pro विनर है Honor Play की जगह। अब तीसरी रेंज आती है हमारी 15 से 20,000 रुपए की रेंज, और इस रेंज के अंदर हमारा बेस्ट गेमिंग डिवाइस है सैमसंग का A50। इस डिवाइस के अंदर हमें बहुत ही जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है, मतलब आप कह सकते हैं कि पोको फोन के आसपास की आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस मिलेगी, जो कि हमारा एक फ्लैगशिप डिवाइस है। इस डिवाइस के अंदर हर गेम खेलने में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली पबजी की बात करूं तो पबजी को तो आप इसमें हाई सेटिंग्स में भी खेल सकते हैं,
पहले तो जो रिकमेंडेड सेटिंग्स है उसमें एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। HDR ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे गेम खेलेंगे पबजी को तो भी आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं एकदम फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस, मतलब HDR ग्राफिक्स के अल्ट्रा हाई फ्रेम रेट पे, तो उस पे भी इस डिवाइस में हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी आती है, आराम से आप खेल सकते हैं। उतनी स्मूथ नहीं है जितनी HDR के हाई में है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस हमारी बहुत ही बढ़िया आती है। और उसके साथ मैंने इस डिवाइस का भी एक दिन पूरा यूज करके बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, तब भी गेमिंग करी थी, और वैसे आपके लिए अलग से गेमिंग रिव्यू भी किया हुआ है, आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। इसके अंदर आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा भी गेम खेलो तो आपको हीटिंग इशू नहीं मिलेगा। बैटरी बैकअप आपको बहुत ही जबरदस्त मिल जाता है, 4000 mAh की जो हमें इसके अंदर बैटरी मिलती है वो आपका एक दिन आराम से निकाल देगी, आप हैवी यूजेज में आराम से निकाल सकते हैं। उसके साथ आपको इसके अंदर फास्ट चार्जर भी मिलता है 15 वॉट का, और साथ में हमें 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। ये मेजर हाईलाइट है, मतलब आप पोको फोन में देखें उसमें हमें बढ़िया गेमिंग मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर हमें LCD पैनल मिलता है, तो उसके अंदर LCD पैनल के अंदर गेम खेलने में इतना आपको मजा नहीं आएगा जितना सुपर एमोलेड डिस्प्ले में आएगा। और इसके साथ जो सैमसंग की ऑडियो क्वालिटी हमें मिलती है, जो स्पीकर की साउंड मिलती है, वो बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस हमें सैमसंग A50 में मिलता है वो हमें पोको फोन में नहीं मिलता, इसीलिए ये हमारा 20,000 रुपए के बजट में बेस्ट गेमिंग डिवाइस बन जाता है। इसका हमारा 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट आपको 20,000 रुपए में मिल जाएगा। खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है बाकी की टेस्टिंग्स के साथ। अब नेक्स्ट रेंज आती है हमारी 20,000 से 40,000, और इसके अंदर हमारे पास आता है एक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस वाला डिवाइस जो कि बहुत लोगों का फेवरेट होता है। डिवाइस है हमारा OnePlus 6T। इसके अंदर हमें मिलता है फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 845 का, जो कि आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा। उसके साथ हमें 3750 mAh की बैटरी मिलती है, साथ में मिलता है डैश चार्जर, तो फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, बढ़िया बैटरी बैकअप भी मिल जाता है, और बढ़िया चीज यह है कि 6.4 इंच का आपको इसके अंदर ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है Full HD+ रेजोल्यूशन के साथ। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया हो गई, बैटरी बैकअप बढ़िया हो गया इस डिवाइस का, डिस्प्ले एकदम कमाल का हो गया, आप मजे से गेम खेल सकते हैं, मजे से इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इस डिवाइस के अंदर गेमिंग रिव्यू जो मैंने किया था तो हीटिंग प्रॉब्लम भी हमें नहीं देखने को मिली, और इसके अंदर आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, और इसका प्राइस है हमारा 35,000। इसका भी खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है इसके टेस्टिंग के साथ। वैसे इसी रेंज में हमारे पास एक और डिवाइस आता है जिसके अंदर आपको थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है प्रोसेसर वाइज अगर हम बात करें। डिवाइस है हमारा Honor View 20, जिसके अंदर हमें Kirin 980 का प्रोसेसर मिलता है, जिसका कि एंटूटू स्कोर भी हमारे OnePlus 60 से ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर हमें LCD पैनल मिलता है। तो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले में अलग ही फन आएगा आपको गेम खेलने में, जो कि LCD पैनल में नहीं आएगा। तो इसीलिए इस रेंज में हमारा OnePlus 60 विनर है, Honor View 20 नहीं है। अब अगर हम बात करें बेस्ट गेमिंग डिवाइस प्रीमियम कैटेगरी में, तो हमारे पास आता है एक डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस जो कि है हमारा ASUS का ROG। वैसे इसके अलावा मेरे पास एक और डिवाइस है जिसके अंदर आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिलती है गेमिंग की, उसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी, पहले हम ROG की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा एक डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस है जिसके अंदर आपको लुक वाइज भी बाकी डिवाइसेस से एकदम डिफरेंट लुक मिलती है। मतलब इसके बैक साइड में आप देख सकते हैं मेटल फिनिश आ रही है, जो हमारी फिंगरप्रिंट स्कैनर आ रहा है, कैमरा के आसपास जो ग्राफिक्स दिए हुए हैं, और उसके साथ जो हमारा ROG का लोगो आ रहा है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का, वो बहुत ही प्यारा लगता है। साथ ही इस डिवाइस के स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है, फ्लैगशिप प्रोसेसर, उसके साथ 8GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, साथ ही 3D कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि हमारे डिवाइस को ज्यादा देर गेम खेलने में भी कूल रखेगी, और वैसे आपको बॉक्स के अंदर एक एक्स्ट्रा कूलिंग फैन भी मिलता है जिसको आप अटैच कर सकते हैं, जो हमारे चार्जिंग केबल पोर्ट होता है, जो हमारा ईयरफोन पोर्ट होता है, वो ऊपर की साइड मिलेंगे ताकि आप अनइंटरप्टेडली गेम खेलते रहे। साथ ही इसके अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 6 इंच का Full HD+ रेजोल्यूशन में, तो डिस्प्ले वाइज भी आप इस डिवाइस को मजे से एंजॉय करेंगे। साथ ही आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में 30 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। इसके डिटेल में अगर आप फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस डिवाइस का 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आपको 70,000 रुपए में मिल जाएगा, खरीदने का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो Asus ROG तो हमारा एक डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस है, काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ गेमिंग की बात करूं कि गेम खेलते समय जैसे PUBG या Asphalt 9 की बात करूं मैं, हम खेल रहे हैं और हमें उसमें अल्टीमेट परफॉर्मेंस किस में मिलती है, इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस, तो उसके लिए आता है हमारे पास एक ही डिवाइस जो कि है हमारा iPhone XS Max। इसके अंदर जो हमें A12 बायोनिक चिपसेट मिलता है, जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा वो आपको, कमाल की एकदम धांसू परफॉर्मेंस। इसका एंटूतु स्कोर ही आप देख लो, मतलब वो है 363,000, स्कोर ही सब कुछ कह देता है, सबसे ज्यादा स्कोर है ये। और इसके अंदर हमें 6.5 इंच का OLED डिस्प्ले भी मिलता है जो कि गेम को देखने में, गेम को इंजॉय करने में आपको बढ़िया लगेगा। साथ में आपको इसके अंदर जो स्पीकर आउटपुट मिलता है वो बहुत ही तगड़ा है, मतलब जो गेम खेलते समय हमें जो साउंड इफेक्ट चाहिए होता है वो आपको इसमें सबसे ज़बरदस्त मिलेगा। इसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस बहुत स्मूथ है, अल्टीमेट है, एकदम फ्लूइडिक है, इसीलिए ये जो हमारा मोस्ट प्रीमियम डिवाइस है, हमारा बेस्ट गेमिंग डिवाइस बन जाता है प्रीमियम रेंज का। ये डिवाइस आपको मिल जाएगा 1,10,000 रुपए का। इसका भी खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। सो ये थे हमारे हर बजट के बेस्ट गेमिंग डिवाइसेस, और आप अब आराम से चूज कर सकते हैं कि आपको किस बजट में जाना है और कौन सा डिवाइस लेना है। आगे मैं आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाती रहूंगी, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।